दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवरात्रि के इस पावन त्यौहार में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी किसी भी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि पावर ऑफ इंटेंशन यानी संकल्प की शक्ति से आप यूनिवर्स से अपनी इच्छा को कैसे मांग सकते हैं और नवरात्रि में संकल्प लेने का सही तरीका क्या है जिससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। नवरात्रि पूजा आपकी इच्छाओं को इरादे में बदलने का बिल्कुल सही अवसर होता है। पूजा करते वक्त आपका मन शांत और सतर्क रहता है। शांत मन से शक्तिशाली इरादे पैदा होते हैं। आपका दिमाग बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है और कभी कभी इसे समझना मुश्किल होता है, लेकिन आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये आपके दिमाग का स्वभाव है कि दिन भर में आपके दिमाग में अलग अलग इंटेंसिटी के हजारों थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स की इंटेंसिटी के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग इवेंट्स और सिचुएशंस को आकर्षित करते हैं। फिर चाहे आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली सिचुएशंस के प्रति सतर्क ना भी हो तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में हर वक्त काम करता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होता है। मान लीजिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और अचानक से आपका दोस्त आकर आपको पैसे देता है, तो उस वक्त आपने उन पैसों के बारे में सोचा था लेकिन उन पैसों को पाने के लिए आपने कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। फिर भी क्योंकि उन थॉट्स की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग थी तो आपने इसे बिना जाने ही उन पैसों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित किया है और आपके दोस्त ने उन पैसों को हासिल करने में आपकी मदद की है। या फिर मान लीजिए किसी ने आपका जेब काट लिया और आपका पर्स चोरी हो गया तो आपने इसे भी आकर्षित किया था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि चाहे आप इसके बारे में सोचो या ना सोचो, ये आपकी ज़िंदगी में हर वक्त काम करता रहता है। तो क्यों ना आप केवल पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करें और अपने सपनों को पूरा करें। ऐसा आप अपने संकल्प की शक्ति की मदद से कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, इफ 20 डिजायर्स अराइज इन माइंड नथिंग गेट्स डन। अगर आप एक साथ 20 इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। बहुत सारी इच्छाएं आपके मन को जकड़ कर रखती हैं, वे इच्छाएं आपके मन को भ्रमित करती हैं और आपकी इच्छाओं को कमज़ोर बनाती हैं। एक अशांत और कमज़ोर दिमाग किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप केवल एक इच्छा पर फोकस करते हैं तो ये उस इच्छा को ताकतवर जरूर बनाता है और उस इच्छा को संकल्प या इरादे में बदल सकता है। संकल्प क्या है? संकल्प या इरादा एक ऐसी इच्छा है जो एक शांतिपूर्ण और मजबूत दिमाग से उत्पन्न होती है। एक संकल्प को यूनिवर्स को समर्पित किया जाता है और इसमें उत्तेजना नहीं होती है क्योंकि आपकी इच्छा अब यूनिवर्स की इच्छा बन चुकी है। संकल्प का मतलब है पॉजिटिव सोचना और सतर्कता के साथ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना या पॉजिटिव इरादा रखना। चलिए अब जानते हैं कि संकल्प की शक्ति कैसे काम करती है और ये आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती है। संकल्प लेने के तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, इंटेंशन यानी इरादा। जिस तरह से किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी में एक बीज बोना पड़ता है, उसी तरह से आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर एक इरादा होना चाहिए कि आप किस इच्छा को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं। स्टेप टू, अटेंशन यानी ध्यान। जिस तरह से उस बीज को पौधे में बदलने के लिए आपको उस बीज का ख्याल रखना पड़ता है, उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसी तरह से अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको उस इच्छा पर ध्यान देना होता है। स्टेप थ्री, मैनिफेस्टेशन यानी अभिव्यक्ति। जब वो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है और आप उस पौधे को विकसित होते हुए देखते हैं, उसी तरह से आपको अपने दिमाग में अपनी उस इच्छा को विजुलाइज करना है जिस इच्छा को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये तीनों स्टेप्स इस तरह से काम करते हैं कि पहले आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर एक इरादा होना चाहिए, आपको उस इच्छा पर लगातार ध्यान केंद्रित करना है और उस इच्छा को हकीकत में बदलते हुए रोज़ विजुलाइज करना है और हर दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। अगर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया में अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है और दिन भर उसी सोच में लगा रहता है कि उसकी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आपको सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से
अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मेरी वो इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी, मेरी इच्छा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ये सब बोलने और सोचने के बजाय आपको बोलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी ये इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए जब तक कि कुछ बेहतर मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाता, और मेरी इच्छा जब भी मैनिफेस्ट हो मैं उसे होने देता हूँ। ऐसा बोलने से आप अपनी इच्छा को भगवान पर सौंप देते हैं और भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल कर या तो आपकी उस इच्छा को मैनिफेस्ट करता है या फिर उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में लाता है। तो संकल्प यानी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो को जब समर्पण यानी जब तक कि कुछ बेहतर मेरे रास्ते में नहीं आ जाता, जब संकल्प और समर्पण को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये आपकी निराशा को कम करती है और आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स पर पूरा विश्वास है कि आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट होगी या फिर उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। और जब आपका मन शांत होता है तब आपका संकल्प शक्तिशाली हो जाता है। आप अपने मन में जितने मजबूत होते हैं आपका संकल्प उतना ही मजबूत हो जाता है। अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आप हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नवरात्रि ज्ञान और वैराग्य में गहराई तक जाने का अवसर है। ध्यान, वैराग्य और ज्ञान के क्षेत्र में होने से हमारे संकल्पों को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। तो संकल्प लेने के लिए नवरात्रि आदर्श समय है, लेकिन याद रखें कि आप जो कुछ भी मांगते हैं उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें और या तो ये या मेरे लिए जो भी बेहतर है के लिए जगह छोड़ दें। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में संकल्प कैसे लेते हैं। जब आप नवरात्रि पूजा के दौरान संकल्प लेते हैं तब आप यूनिवर्स को आपके इरादे सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है और अपने इरादे को ईश्वर को समर्पित करना है। आपको उस इच्छा के बारे में सोचते नहीं रहना है या ऐसा नहीं करना है कि आप काम ही ना करें, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपना काम लगातार करते रहना है, अपनी इच्छा को जाने देना है और ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।